नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप देख रहे हैं नैतिक टीवी को। दोस्तों, इस समय भीम आर्मी को लेकर एक बड़ी ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि दरअसल बात आज से दो दिन पहले की है, जब चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के भोपाल एवं सागर के दौरे पर थे। हुआ यूँ कि आपको बता दें कि भोपाल से सीधे सागर आ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, और उन्हीं के स्वागत में आपको बता दें कि सागर एवं आपको बता दें कि तमाम जिलों से चंद्रशेखर आज़ाद का आपको बता दें कि रोड शो हुआ भोपाल से सागर के लिए। उसी दौरान आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद का एक कार्यक्रम भी था सागर में, तभी वो आ रहे थे। और आपको बता दें कि उनके पीछे गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा लंबा काफिला जा रहा था, जिसमें आपको बता दें कि गाड़ी पर बैठे भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता जिनका नाम शैलेंद्र अहरवार था, आपको बता दें कि उनकी अचानक गाय से टकराकर गाड़ी गिर गई। और आपको बता दें कि उसी के पीछे जो फोर व्हीलर गाड़ी आ रही थी वो आपको बता दें कि उससे झुक गई, और वो भी आपको बता दें लगभग उससे 20 फीट दूर तक घिसटी उनकी जो मोटरसाइकिल थी। तो आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद के रोड शो में। आपको बता दें कि ये बड़ा ही दुखद खबर है, आपको बता दें दुखद घटना है। इससे आपको बता दें कि इसी पर सुनील अस्ते, जो कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी हैं भीम आर्मी के, उन्होंने आपको बता दें कि इस पर अपना जो है दुख संवेदना व्यक्त की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके परिवार के साथ हैं। परिवार को बुद्ध भगवान से उन्होंने दुख सहने की आपको बता दें कि प्रार्थना की है। आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।